मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरसार्शनम् मङ्गलं वीरसानम् वन्दितसौविसिद्धे धुवमचलमनोभवं गदिं पते मोक्षामि समये पाहुड मृणमो सुदके बलीभरितम् समय सार परम मंगली ग्रंथ है आचार्य देव द्वारा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है ४१५ सौ पंद्रह इसमें गाथाएँ हैं भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्राकृत भाषा में और आध्यात्मिक शैली में प्रस्तुत किया है अजीब अधिकार चल रहा है और सिक्सटी सेवन और सिक्सटी एट नंबर की जो गाथा है इस पर विचार चल रहा था सिक्सटी सेवन गाथा में जो जीव समास है हमने कल परसों एक बात कही थी बादर सूक्ष्म लेकर के तो एक इंद्री में भी बादर सूक्ष्मता पाई जाती है जो एक इंद्री स्थावर हैं वो बादर और सूक्ष्म दोनों होते हैं मार्गण स्थान और गुण स्थान दोनों जीव के निश्चय से नहीं हैं व्यवहार से हैं जब कहते हैं जीव की नहीं है इसका ये मतलब है द्रव्य स्वभाव में नहीं है द्रव्य स्वभाव में नहीं है पर्याय स्थान में है और जब पर्याय स्थान बनती है जीव की पर्याप्तक अपर्याप्तक सूक्ष्म बादर आदि तो वो नाम कर्म के कारण बनती है नाम कर्म में तीन चार जोड़े हैं त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त प्रत्येक साधारण प्रत्येक साधारण ये जोड़े लगाओ कौन कौन से त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्तक अपर्याप्तक और प्रत्येक साधारण ये सभी जो हैं इंद्री नाम कर्म के इंद्री नाम कर्म की ओर साथ रहती हैं इंद्रिय नाम कर्म के साथ रहती है तो ये समास संज्ञा कहलाती हैं जो इंद्रिया हैं कर्म वो पर्याप्तक हैं या अपर्याप्तक हैं वो साधारण है या प्रत्येक है वो, है है? वो सूक्ष्म हैं या स्थूल है ये सारे के सारे नाम कर्म की प्रगतियाँ से जब जीव की पहचान होती है जीव को संज्ञा मिलती है तो फिर उसे जीव समास कहते हैं और यहाँ ये कह जा रहा है कि जीव समास जीव की पर्याय में है पर जीव के स्वरूप में नहीं है इसलिए जीव के स्वरूप ना होने के कारण ये जीव के नहीं हैं लेकिन जीव की पर्याय में ये दिखते हैं नाम कर्म के उदय के कारण इसलिए कथनचित इनको भी जीव की संज्ञा मिलती है कैसे मिलती है ये स्थावर जीव है ये त्रस जीव है ये बादर जीव है ये सूक्ष्म जीव है ये पर्याप्तक जीव है ये अपर्याप्तक जीव है ये प्रत्येक जीव है ये साधारण जीव है ये सारे की संज्ञा नाव नाम मिले हैं तो उसमें नाम कर्म के उदय से मिले हैं तो पर के निमित से मिले हुई पहचान मेरी पहचान द्रव्य स्वभाव में नहीं है स्वभाव में तो मेरा ये पहचान मेरी नहीं है और ये अजीब अधिकार में द्रव्य स्वभाव की बात चल रही है चल रही है द्रव्य स्वभाव की बात चल रही है भाई द्रव्य तो ऐसा है द्रव्य का तो स्वरूप ऐसा है कैसा है स्वरूप द्रव्य तो द्रव्य है आत्मा तो आत्मा है लेकिन ये जीव समास स्थान तेरे शाश्वत स्थान नहीं क्यों एक इंद्रिय शाश्वत रहोगे दो इंद्री नहीं बनोगे दो से चार पांच नहीं बनोगे अच्छा पांच इंद्री भी शाश्वत है क्या क्या इंद्रिय से इंद्रियातीत नहीं होगे, गति से अतीत नहीं होगे, तो होगे ना तो पर्याप्त प्र, अपर्याप्त से भी रहित होगे बादर सूक्ष्म से भी रहित होगे ठीक है ना बादर सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर छोटा शरीर और बड़ा शरीर तो इन शरीरों से भी रहित हो जाओगे तो ये अवस्था छूट जाएगी और छूटती है आप कभी बड़ा शरीर धारण करते हो कभी छोटे में चले जाते हो तो ये तो संसार अवस्था में छूटती रहती है पर्याप्तक बनते हो आप आपयाप्तक भी बनते हो जन्म अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं कर पाते हो और मरण को प्राप्त हो जाते हो तो अपर्याप्तक रह जाते हो अथवा पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद भी मरणों को प्राप्त हो जाते भी छूट जाती है तो पर्याप्तक भी परमानेंट नहीं है अपर्याप्तक भी परमानेंट नहीं है वनस्पति के भेद में प्रत्येक और साधारण जो जीप कहा गया है एक शरीर का एक स्वामी प्रत्येक प्रत्येक नाम कर्म के उदय से प्रत्येक है प्रत्येक वनस्पति अलग है और प्रत्येक कर्म अलग है क्या नहीं समझ में आई प्रत्येक वनस्पति अलग है प्रत्येक वनस्पति कौन सी है एक के आश्रय एक ही जीव रहे और उसमें भी प्रतिष्ठित और सा प्रतिष्ठित प्रारंभ काल में सा प्रतिष्ठित वनस्पति ही होती है जो अप्रतिष्ठित वनस्पति है जिसे आप खाते हो वो वनस्पति भी प्रारंभ काल में सा प्रतिष्ठित ही होती है बहुत सारे जीव होते हैं पर इसमें एक जीव बसता है वो आप प्रतिष्ठित हो जाती है तो उसको आप ग्रहण करते हो लेकिन प्रत्येक नाम कर्म एक इंद्री का उदय तो है ही है तीर्थंकर के भी प्रत्येक नाम कर्म का उदय है हमारे भी प्रत्येक नाम कर्म का उदय है क्यों है एक शरीर का एक ही मालिक है हमारा भी कौन सा उदय है हम प्रत्येक है कि साधारण है, है? महाराज जी हम वनस्पति थोड़ी है अरे वनस्पति की बात नहीं कह रहे वनस्पति में प्रत्येक नाम कर्म का उदय है कि उसका एक शरीर का एक स्वामी है और उसका ऐसा भी उदय है कि एक शरीर के अनंत स्वामी है तो वो साधारण है हम साधारण नहीं हैं क्या नहीं है हम साधारण नहीं हैं हमारे शरीर के अनंत जीव स्वामी नहीं है यद्यपि हमारे आश्रय से अनंत जीव रहे और रहते हैं पिंड के सहारे जो है बहुत सारे जीव रहे और रहते हैं लेकिन वो हमारे शरीर के मालिक नहीं है मला, मालिक मतलब उनकी मृत्यु से मेरी मृत्यु हो जरूरी है क्या नहीं है लेकिन साधारण में ऐसा नहीं है साधारण में तो एक की मृत्यु हो तो सारे क्योंकि एक ही शरीर के सभी स्वामी है इसलिए एक श्वास ले तो सब श्वास लें और एक मरे तो ऐसी पर्याय में जाना है क्यों बहुत सरल उपाय है जाने का वहाँ पर भावना भाव हम सब साथ साथ रहें क्या भावना भाव मरे तो साथ खाए तो साथ पिए तो साथ घूमे तो साथ सब कर्म जितने संसार के हैं कर्म वो सारे हम कैसे करें साथ साथ करें ऐसे भाव रखो तो मिल जाएगी पर्याय कौन सी पर्याय मिल जाएगी वहाँ पर साथ साथ रहना भैया फिर तुम्हारा वहां शो नहीं होगा सात जन्म का साथ है कितने जन्मों का साथ है ये सब वहीं पे मिलते हैं लोग नहीं भेद ज्ञान रहो साधारण हम नहीं हैं हम भी प्रत्येक नाम कर्म के उदय से एक शरीर के एक स्वामी हैं लेकिन यदि हमें प्रत्येक कहा जा रहा है यदि हमें संगी पंचेंद्री कहा जा रहा है तो ये नाम कर्म की उदय से नाम कर्म की प्रगतियों के उदय के कारण हमें ये संज्ञा मिली है ये नाम मिला हुआ है ठीक है तुम तो मंदिर के प्रधान बन जाओ तो लोग तुम्हें प्रधान बोलने लग जाएं, तो एक तुमको जिम्मेवारी मिली हुई है वो जिम्मेवारी तुम्हारा नाम कहला गई हो अब लोग तुम्हें नाम भूल गए और प्रधान जी बताओ कैसे हो अब यही बोलते हैं लोग तुमको औपाधिक पर्याय है औधिक भाव है ठीक है कर्म के उदय से होने वाले परिणाम औधिक परिणाम अपने परिण। स्थान आदि में पढ़ेंगे पहले अभी तो कर्म का उदय तो मार्गण ये जो चलती है जीव समाज जो चलती है वो कर्म के उदय से चलती है तो कर्म के उदय से जो शरीर आदि की परिणति है उस शरीर आदि की परिणति को जीव की परिणति कहना ये आगम में सूत्र में व्यवहार से कहा गया है कि ये जीव है लेकिन यथार्थ में ये जीव है ऐसा नहीं है क्योंकि द्रव्य स्वभाव में ये अवस्था नहीं देखी जाती है द्रव्य स्वभाव में नहीं ये पर्याय स्वभाव में है किसमें है ये उसकी पर्याय में है और पर्याय तो आती और जाती है अब 68 नंबर की गाथा में कहा कि मोहिनी कर्म के उदय से गुणस्थान होता है वहां पर नाम कर्म के उदय से इस जीव को बादर सूक्ष्म त्रस स्थावर प्रत्येक साधारण पर्याप्त अपर्याप्त कहा किस कर्म के उदय से है नाम कर्म के उदय से ऐसे ऐसे नाम मिले तो जो छोटा है तो तो बड़ा है सूक्ष्म है स्थूल है पर्याप्त है अपर्याप्तक है ये सारे किस कर्म के उदय से मिले नाम कर्म के उदय से ऐसे ऐसे नाम मिले तो शरीर के नाम तेरे नाम कहलाए शरीर की अवस्था तेरी अवस्था कहलाए क्योंकि तेरी भी अवस्था उस शरीर जैसे ढली ठीक है कन्फर्म हो गया तो कह रहे हैं कि हम व्यवहार से आगम में इसे स्वीकार करते हैं ये एक इंद्रिय है दो इंद्रिय है चार इंद्रिय है पांच इंद्रिय सारे जीव समाज को हम स्वीकार करते हैं लेकिन यथार्थतः ये जीव की संज्ञा नहीं है किसमें किसमें नहीं है शुद्ध द्रव्य स्वभाव में ये जीव की संज्ञा हमें प्राप्त नहीं होती है ये अनुभूति में नहीं आती है ठीक है ना लेकिन यदि अपन लोप कर दें व्यवहार का तो फिर क्या घाटा हो जाएगा क्या नुकसान हो जाएगा फिर हम जो हैं जितने भी शरीरवान जीव दिखाई दे रहे हैं हम उनको जीव ही नहीं मानेंगे और जब हम उनको जीव ही नहीं मानेंगे तो फिर हिंसा अहिंसा का भाव ही खत्म हो जाएगा कि हमें हिंसा नहीं करना अहिंसा पालन करना है ठीक है ना फिर तो खूब हत्याएं होना प्रारंभ हो जाएंगी एक तो ये हो जाएगा दूसरा जैसे पहली बात कह दी थी कि उसे भी जड़ मानना पड़ जाएगा ठीक है ना तो बोले ऐसे नहीं कथन चेत ये भी जीव है क्योंकि इसके निमित्त से इसको भी जीव की संज्ञा दी गई है तो शरीर को जीव बोल दिया ये बादर सूक्ष्म प्राप्त पर्याप्त क्या है शरीर है कि नहीं है यह प्रत्येक साधारण क्या है यह सब शरीर है क्या है शरीर के नाम है ये प्रत्येक है साधारण है बादर है सूक्ष्म है, स्थावर है, ये किसके नाम है बोलो शरीर के नाम है और शरीर के नाम से जीव की पहचान शरीर के नाम से जीव की पहचान होना ये व्यवहार है लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं ओके अब 68 नंबर गाथा में बताया मोहन कम सुदिया वर्णिया जे इमे गुण तेह कह हवंती जीवो जे निच्चे मचेतना उत्ता यहाँ तो पूरी बात जो कही गई है कि व्यवहार से तो मोहन कमस्या जीव ठाणा वर्णिदा मोहनी कर्म के उदय से होते हैं गुणस्थान ये व्यवहार हो गया क्या हो गया मोहनी कर्म के उदय से भैया बताओ अब ये शरीर की बात नहीं कह रहे अब ये जीव की अवस्था की बात कर रहे हैं मारगणा में तो शरीर की पर्याय का नाम जीव का नाम दिया गया अब गुणस्थान में क्या कह रहे हैं जीव की अवस्था जो गुणस्थान के निमित्त से मतलब मोहिनी कर्म के निमित्त से जीव की अवस्था में प्रकटता हुई है उसको गुणस्थान नाम दे रहे हैं ठीक है ना मोहन कमिया मोहिनी कर्म के उदय से जो गुण स्थान जीव के पर्याय स्थान प्रकट होते हैं जो पर्याय स्थान प्रकट होते हैं वो जीव के व्यवहार से कहे गए हैं लेकिन निश्चय से ऐसा नहीं है क्योंकि निश्चय से ऐसा मान लोगे, तो जीव अचेतना क्या हो जाएगी अचेतना हो जाएगी टीका में बताया डॉक्टर साहब जौ का फल जो ही होगा गेहूं बोगे तो क्या उदय में क्या उदय में आएगा गेहूं ही आएगा यदि मोहनी कर्म का उदय से जो परिणाम हो रहा है तो मोहनी करता हो गया तो फल भी कर्म मोहिनी का ही होगा इसलिए जो अवस्थाएं हैं वो सारी की सारी अचेतन हो जाएंगी क्योंकि मोहनी कर्म भी अचेतन है और मोहनी कर्म के उदय से जीव की अवस्था हो रही है निश्चय से ऐसा ही मान लिया जाए तो फिर जीव की अवस्था भी अचेतन ही मानी जाएगी क्योंकि कर्म के उदय कर्म जी अचेतन है तो उसका फल भी क्या होगा जैसे गेहूं को बोया तो फल क्या होगा चना नहीं होगा वो गेहूं होगा ऐसी मोहनी कर्म का फल पुद्गल का फल पुद्गल होगा पुद्गल का फल पुद्गल होगा ऐसा निश्चय से मान लिया जाए पर ये कह रहे हैं ठीक है पुद्गल का फल पुद्गल फल है हम ऐसा व्यवहार से मानते हैं निश्चय से नहीं इसलिए हमने ऊपर बोला गुड़स्थान भी पुगल दब्बस से पच जाया क्योंकि गुणस्थान भी मोहनी कर्म के उदय से बन रहे हैं तो उदय से बन रहे हैं इसलिए पुद्गल का फल है इसलिए ये गुड़स्थान भी पुद्गलमय है फिर आप बोलोगे महाराज जी पुद्गलमय है तो जीव के परिणाम पर क्या होंगे जीव के संयम रूप परिणाम जीव के सम्यक रूप परिणाम जीव के विशुद्ध रूप परिणाम भाई अभी यहाँ तो पर्याय की बात ही नहीं चल रही ना पर्याय की बात चले तो हम उसको मानेंगे ना व्यवहार से जीव के हैं पर बात तो चल रही है द्रव्य की शुद्ध द्रव्य स्वभाव की बात चल रही है तो बोले द्रव्य स्वभाव में शुद्ध द्रव्य स्वभाव में ऐसी ऐसी अवस्थाएं दिखती नहीं है मिथ्यात रूप अवस्था दिखती नहीं है और विशुद्धि स्थान के तारतम्य भाव दिखते नहीं हैं कम ज्यादा भाव दिखते नहीं हैं कभी उत्सम सम्यक दर्शन हो फिर कभी हो जाए फिर छायक हो जाए ऐसे शुद्ध स्वरूप में ऐसा भाव दिखता नहीं है सिर्फ श्रद्धा गुण है श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है ज्ञान गुण है ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय है हम ज्ञान गुण वाला जीव देख रहे हैं दर्शन गुण वाला जीव देख रहे हैं गुणमय जीव देख रहे हैं वो शुद्ध स्वरूप है उस शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा कोई गुण स्थान नहीं है ठीक है आई समझ में हम्म ये बात यहाँ पे कह रहे हैं इसलिए निश्चय से जीव के जीव समास नहीं है जीव की मारगणा नहीं है और जीव के गुणस्थान स्थान भी नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे जीव के कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली अवस्थाएं हैं तो कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली जो अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं भी मेरी अवस्था नहीं है मोनी कर्म के उदय से जीव में अधिक परिणाम पैदा हो ठीक है ना तो बोले वो परिणाम जो है वो परिणाम मेरे परिणाम नहीं हैं व्यवहार से हैं पर निश्चय से नहीं है क्यों क्योंकि शुद्ध स्वरूप में ऐसा देखने को मिलता नहीं है ये यहाँ पर जो है अजीब अधिकार संपन्न होता है अब हम जो है आज कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ करते हैं कर्ता कर्म कर्ता कैसे कहते हैं और कर्म कैसे कहते हैं कर्ता कारण कर्म कार्य कर्ता कारण है कर्म कार है कारण के बिना कोई कार्य होता नहीं है कारण से ही कार होता है इतना मान के चलो कारण से ही कार होता है बिना कारण के कार कभी होता नहीं है तो कारण कौन है जो करता है वो कारण है और जिसका जो कार हुआ है उसका जो फल है वो उसका कर्म है वो उसका कर्म है अब जीव अजीव दो जो अवस्थाएं दोनों ही अपना स्वांग रंगमंच में लाते हैं कर्ता कर्म बन करके ठीक है ना अब एक अभिनव होने वाला है एक खेल चलने वाला है एक खेल खेलने वाले हैं हम लोग कि अब जो है जीव अजीब दोनों एक होकर के कहाँ उतर रहे हैं है? नाटक मंच में आ रहे हैं और नाटक मंच में आकर के अपना कर्तव्य दिखाने वाले हैं कि देखो मैं कर्ता और मैं कर्म स्वतंत्रता करता कर्ता जो होता है वो स्वतंत्र होता है कर्ता कभी भी परतंत्र नहीं होता है क्या होता है कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है कारण हमेशा स्वतंत्र होता है कारण कभी भी पराधीन नहीं होता है कारण कभी भी परतंत्र नहीं होता है कारण हमेशा स्वतंत्र होता है कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है ठीक है ना जो कार्य है वो दो प्रकार से हो सकता है उसका अपना भी हो सकता है और एक कारण से दूसरे का भी कार्य हो सकता है होता दिखाई देता है जैसे कुम्हार घड़ा बनाने में क्या है कारण है उसका ज्ञान जो है उसकी जो परिणति है जो उसकी अवस्था है जो उसके वो कर्ता जो है वो किसका कुम्हार घड़ा बनाने में कारण है और जो घड़ा बनके तैयार हुआ वो उस कुमार का व्यवहार से कर्म है कर्ता कर्म व्यवहार से जब भी बनाएंगे तो दो या दो से अधिक वस्तु में बनेगा और निश्चय में बनाएंगे तो एक में ही कर्ता होता है उसी का ही कर्म होता है दो अलग अलग नहीं होता है ठीक है ना निश्चय से देखेंगे तो घट ही कारण है और घट मिट्टी ही कारण है और मिट्टी घट रूप परिवर्तित हुई अपने आप अपने परिणमन से तो घट जो है उसका कार्य हुआ मिट्टी क्या है घड़े बनने में मिट्टी क्या है बोलो मिट्टी में घड़े बनने का कारण मौजूद है कि नहीं घड़े बनने की योग्यता मौजूद है कि नहीं बोले इस मिट्टी में है तो मिट्टी में यदि घड़े बनने की शक्ति मौजूद है ये घड़ा बन सकता है तो ये स्वतंत्र है फिर ये परतंत्र नहीं है ये मिट्टी स्वतंत्र है अपने में घड़ा बनाने में तो स्वयं इसमें कारण मिट्टी होती है क्या होती है और मिट्टी का जो परिणमन है मिट्टी की जो परिणति है वो जब घड़े रूप में प्रकट होती है तो वो मिट्टी का फल जो कारण था उसका कार्य वो उसका कर्म बना फल उसका क्या बना कर्म बना तो मिट्टी ही स्वयं घड़े रूप में परिवर्तित तो हुए तो वही कर्ता और वही कर्म वही कारण और वही कार्य समझ में आ रहा तो निश्चय से तो मिट्टी को घड़ा रूप किसने किया घड़ाकार मिट्टी के लौंदे को घड़ाकार किसने किया निश्चय से बोल रहा हूं किसने किया मिट्टी ने ही किया व्यवहार से मिट्टी को घड़ाकार किसने किया कुम्हार ने किया तो व्यवहार से कुम्हार मिट्टी का क्या हुआ क्या हुआ कारण हुआ करता हुआ और घड़ा उस कुम्हार के कारण का फल कर्म हुआ ठीक है ना यदि यही बात मान ली जाए मात्र मात्र ही मान ली जाए देखो मैंने घड़ा बनाया मैंने मकान बनाया तो तुम अहंकारी होगे मिथ्या दृष्टि होगे कार्यक्रम पाठशाला के पुण्य अर्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर लोधी कॉलोनी दिल्ली